मैं प्रतिमा पांडे और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं, बॉलीवुड स्टार रचना सिंह यदुवंशी। आइए इनसे जानते हैं कि इनके आने वाली फिल्म महादेव की दीवानी किस तरह की मूवी है। थैंक यू सो मच। और ये सबसे पहले ये सॉन्ग है अभी जो आने वाला है, ऑलरेडी रिलीज होने को है, शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है इसकी, बहुत जल्द आएगा। और ये सुपरहिट सॉन्ग है क्योंकि एक तो महादेव के नाम पे बनी हुई है और महादेव की दीवानी इसका टाइटल है, तो बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है और एक तरीके से ये कहना चाहूँगी कि सब लोग सपोर्ट अपना बनाए रखें, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक सॉन्ग नंबर वन पे चल रहा है पूरे इंडिया में, तो जल्दी वो भी नंबर वन पे ही आने वाला है। और अभी एक चल रहा है, अभी नेक्स्ट जल्दी रिलीज़ होने वाला है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो बढ़ रहा है कोरोना को देखते हुए जो है बॉलीवुड का जो फिल्म जगत का जो भविष्य है वो क्या है। अभी देखिए सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं लगभग, तो किसी भी तरीके की कहीं पर भी परेशानी नहीं है, जैसे हर चीज़ अभी कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी शूटिंग जो है वो ऑनलाइन भी शूटिंग चल रही है, इस तरीके का भी टाइम चल रहा है। और उसके अलावा कुछ लोग सेफ्टी के साथ कुछ जगह पर शूटिंग चल रही है, कुछ जगह पर नहीं चल रही है, तो नई चीज़ें कहीं स्टार्ट हो रही है, कुछ पुरानी चीज़ें चल रही है, तो वो कंटिन्यू चल रही है। भविष्य देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य कभी डाउन था नहीं और ना वो कभी होने वाला है, क्योंकि आप सारी चीज़ें छोड़कर एक मिनट के लिए रह सकते हैं, एक दिन आप खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन बिना फ़ोन चलाए आप एक दिन भी नहीं रह सकते, तो उसमें कोई घटाव नहीं आने वाला है, उसमें कुछ घटने वाला नहीं है, वो कंटिन्यू है और बेहतरीन है, भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस जो ये महादेव की दीवानी मूवी है, इसका जो है गाने की एक लाइन मुझे आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है और इसकी लाइन ये है कि ना सुंदर होगी ना सयानी होगी, मेरी वाली तो महादेव की दीवानी होगी। और ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है और उम्मीद करती हूँ कि ये भी नंबर वन पे चलेगा, जैसे कि बाकी मेरे सॉन्ग चल रहे हैं अभी। और इसमें भी खेसारी जी हैं साथ में, ये भोजपुरी का सॉन्ग है और इसमें मैंने पहली बार ही काम स्टार्ट किया हुआ है और पहली बार मैं नंबर वन पे चल रही हूँ, ट्रेन कर रही हूँ। और इसमें सबका टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, खेसारी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि टीम की बहुत अच्छी मेहनत है इसमें और सबका कहीं ना कहीं योगदान है, जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी बेहतरीन चल रही हैं। और मेरा, मैं ऑलरेडी हिंदी में काम करती हूँ, मैं तो बॉलीवुड में हूँ, हिंदी में हूँ, तो यहाँ पे एक नया शुरुआत किया मैंने, मैं ऐसे कैजुअली मैंने स्टार्ट किया, बट वो रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन आया और ट्रेंड कर रहे हैं हम लोग, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि बनारस से मेरी ज़िंदगी का शुरुआत हुआ था मेरे करियर का, और एक बारी फिर से मैं टॉप पे हूँ बनारस में ही, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। क्लाउड टाइम्स की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।